अजमेर में मनरेगा श्रमिकों का आंकड़ा पहुंचा 1,09,590। अजमेर जिला परिषद सीईओ गजेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार अजमेर जिले में एक गांव चार काम के आधार पर महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत मांग के अनुरूप श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। अजमेर जिले में वर्तमान में 9 पंचायत समितियों में 277 ग्राम पंचायतों में 2,271 कार्य पर 1,09,590 श्रमिकों को लगाया गया है। आने वाले दिनों में श्रमिकों की संख्या को 3 लाख तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। श्रमिकों को तय समय पर मांग के अनुरूप रोजगार मिले, इसे लेकर प्रतिदिन जिला परिषद में कर्मचारी सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए कार्य कर रहे हैं ताकि श्रमिकों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। अजमेर जिला परिषद कार्यालय में महात्मा गांधी नरेगा योजना से जुड़ा स्टाफ प्रतिदिन अपने कार्यालय में आकर ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों से आने वाली फाइलों का निस्तारण कर रहा है। अजमेर जिला परिषद में यह कर्मचारी रोटेशन के आधार पर कार्य कर रहे हैं। इस बाबत जिले की पंचायत समितियों से भी कर्मचारियों को अजमेर जिला परिषद में लगाया गया है। मनरेगा कार्य चल रहे हैं, कोविड-19 को लेकर जारी एडवाइजरी की पालना किस प्रकार से की जा रही है? ये कोविड एडवाइजरी की पालना हमने जो भी सरकार के डायरेक्शन है कि किस तरह से लेबर को डिप्लॉय करना है उसको पूरे हमने ग्राम सेवक LDC JTS को ट्रेनिंग करके उनको श्रमिकों को किस तरह से उनको नियोजित करना है और हमने पूरा उसकी पालना करने के लिए जैसे जैसे लेबर की प्रपत्र 6 में डिमांड आई है उस लेबर को वर्क पे अलॉट करते हुए भी कितने लेबर की डिमांड है, कितने लेबर को कहाँ पे डिप्लॉय करना है, उस लेबर को वहाँ पर प्रत्येक लेबर का एक साथ 13 दिन का प्लॉटिंग करके भाई ये लेबर यहाँ की जो ज़मीन की नेचर या जो भी इस यहाँ का स्टाटा है इसके हिसाब से इसकी टास्क ये है तो यहाँ पे 40 आदमी है या 20 आदमी है तो उसके हिसाब से उसको 13 दिन का प्लॉट सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए जो भी एडवाइजरी की डायरेक्शंस गाइडलाइन की डायरेक्शंस हैं 1.8 यानी 6 फीट दूर उसको एक श्रमिक को दूसरे श्रमिक से दूसरे चौकड़ी का उसमें नियोजित कर रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग उसमें डेली उनको दे रखा है कि बिना मास्क कोई भी नहीं आएगा। सबसे पहले जैसे इस वर्क साइट पर आएंगे उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, टेम्परेचर चेक करने के बाद ही उनको नियोजित किया जाएंगे और इसी तरह जब भी कोई श्रमिक इधर जाता है तो उसके आने से पहले मतलब हाथ धुलाना, साबुन से हाथ धुलाना बार बार, इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं उसका सावधानी से रख करके उसका कर रहे हैं और इसी तरह से नए सरकार के डायरेक्शंस माननीय CM साहब के CM साहब के जो डायरेक्शंस हमें दिए हैं कि बाहर से जो भी हमारे यहाँ के जिले के प्रवासी श्रमिक आए हैं उनको भी हम प्राथमिकता से नियोजित करेंगे तो उसके लिए हम लोग उनका ग्राम सेवक और हमारी जो भी ग्राम स्तरीय कमेटी उनको डोर टू डोर सर्वे करके उनको नए जॉब कार्ड हम जारी कर रहे हैं ताकि उनको भी हम रोजगार मुहैया करा सकें। सर एक गांव चार काम जी क्या है ये काम? उसमें एक गांव मतलब राज्य सरकार की डायरेक्शन से है कि प्रत्येक राजस्व गाँव में उसमें श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 4 किस्म के कामों को हम प्राथमिकता से उसमें ले रहे हैं। ये 4 काम इसमें चारागाह विकास, मॉडल तालाब, शमशान विकास और खेल मैदान, ये इस तरह के काम है जो जिसमें लेबर डिप्लॉयमेंट भी होता है और स्थायी संपत्तियों का सर्जन भी होता है। तो प्रत्येक ग्राम में हम लोगों ने इस तरह के आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ग्राम पंचायतों से हमारे पास आ गए हैं और हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को डिप्लॉय करने के लिए हम इन्हीं 4 तरह के जो काम हैं प्रत्येक राजस्व गांव में उसमें खोल कर मतलब सेंक्शन करके उन्हीं को उस पर डिप्लॉय किया। अजमेर जिले की 9 पंचायत समितियों में कितने जगह पर कार्य चल रहा है? अजमेर जिले में हमारे पूरे 277 ग्राम पंचायतों में काम चल रहे हैं और ये काम हमारे 2,271 कार्य हैं जिसमें व्यक्तिगत लाभ के काम हैं, प्रधानमंत्री आवास के काम हैं, कैटेगरी बी के काम हैं, ये नॉन NRM के काम हैं। इस तरह से हमने सोशल डिस्टेंसिंग की वो देखते हुए नंबर ऑफ वर्क हमने बढ़ा दिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर मतलब डिप्लॉय हो और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके। आपको बता दें कि अजमेर जिले की 9 पंचायत समितियों में सबसे अधिक महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत रोजगार मसूदा पंचायत समिति में दिया गया है। मसूदा पंचायत समिति में 16,393 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। वहीं दूसरे नंबर पर बिनाई पंचायत समिति में 15,613 श्रमिक, पिसांगन में 15,409 श्रमिक, श्रीनगर में 11,585 श्रमिक, किशनगढ़ में 13,401 श्रमिक, आरई में 9,381 श्रमिक, सरवाड़ में 9,614 श्रमिक, केकड़ी में 9,422 श्रमिक तथा सबसे कम जाबाजा पंचायत समिति में 8,772 श्रमिकों को महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत रोजगार मुहैया कराया गया है। अजमेर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए कोविड-19 को लेकर जारी एडवाइजरी की पूर्ण पालना की जा रही है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत जिले में कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं?
आज दिनांक को 1,09,000 से ज़्यादा श्रमिक लगे हुए हैं और प्रतिदिन हम नए कार्य स्वीकृत करवा रहे हैं और हाथों हाथ काम को शुरू करने के लिए भी हमने निर्देश दे रखे हैं। ज़िले ने जो टारगेट रखा है वो 3,00,000 लेबर पर डे का रखा है, क्योंकि अप्रैल में हमें बहुत कम मैंडेज मिले हैं, उसकी पूर्ति करने के लिए भी हमें पिछले साल का जो एवरेज है उससे ज़्यादा लोगों को लगाने की आवश्यकता है। और ये आवश्यक भी है, क्योंकि कई लोग जो बाहर से आए हैं तो कभी भी नरेगा में काम नहीं करते थे, इस बार वो काम मांग भी रहे हैं, काम करेंगे भी, तो 3,00,000 लोग प्रतिदिन काम करें ऐसी हमने व्यवस्था की है। सर, कोविड 19 को लेकर जो एडवाइजरी है उसकी पालना किस प्रकार से की जा रही है? उसी की पालना की वजह से अभी लेबर कम लगी हुई है, हर जगह इसकी पूरी पालना होने के बाद ही काम पर लगाया जा रहा है। मस्टोल हमेशा जॉब कार्ड में जिन लोगों के नाम है, जॉब कार्ड बने हुए हैं और जो काम मांगना चाहते हैं उनको जारी किया जाता है। सर, प्रवासी जो श्रमिक आ रहे हैं उनके लिए जॉब कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए इस प्रक्रिया को? अगर उसके पास पहले से परिवार में जॉब कार्ड नहीं तो वो बनवा सकता है, उसमें कोई रोक भी नहीं है, एक्ट में लिखा हुआ है। प्रवासी श्रमिकों को लेकिन 14 दिन पहले घर पर रहना पड़ेगा, उसके बाद ही वो काम मांग सकेंगे। एक गाँव चार काम, क्या काम है सर? ये चार प्रकार के काम हैं, खेल मैदान विकास, कब्रिस्तान या शमशान का विकास, चरागाह विकास, ऐसे चार काम हैं जिनके ऊपर पंचायत में प्रस्ताव लेने हर गांव में और उन कामों को बाद में स्वीकृत करके शुरू करवाएं। सर,